एक बार फिर स्वागत कर रहे हैं आपका रेडियो 104.2 एफएम योर म्यूजिक योर बीट्स पर। मैं हूँ जस जूही और आपका साथ दूंगी ताकि हम एक साथ बना सकें इस क्रिसमस की बहुत सारी खुशियों को। सो मेरी क्रिसमस टू ऑल आवर लिसनर्स ऑन रेडियो 104.2 एफएम। इट्स गोइंग टू बी इंटायरली अ डिफरेंट क्रिसमस दिस ईयर एंड नॉट जस्ट इन बहरीन, इन फैक्ट ऑल अराउंड द वर्ल्ड थैंक्स टू 2020। एक बड़ा ही अनप्रेसिडेंटेड सा और एक बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल सा साल रहा, लेकिन चलिए अब तो इसका अंत हो रहा है और खुशियाँ और पॉजिटिविटी हमारा इंतज़ार कर रही हैं। सो दो पीपल हु लिव इन बहरीन, वो काफ़ी फॉर्चुनेट हैं क्योंकि इस पूरे देश को डेकोरेट किया जाता है लाइक अ ब्राइड फॉर क्रिसमस और फॉर बहरीन नेशनल डे, आप जो भी समझ रहे हैं। लेकिन ये जो नवंबर दिसंबर जनवरी के मंथ्स होते हैं, इनमें बहरीन बहुत ही खूबसूरत लगता है। खूबसूरत तो है ही, लेकिन जिस तरीके से वाइट एंड रेड में सजता है, ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये क्रिसमस के लिए है, नेशनल डे के लिए है या फिर न्यू ईयर का स्वागत करने के लिए। आई थिंक ऑल द बहरीन इन द इंटायर ईयर इज़ अ डिलाइट एंड अ ट्रीट फॉर एनी विजिटर्स आइज कि वो इस ब्यूटीफुल से कंट्री को देखें, निहारें और इंजॉय करें। लेकिन ये जो एक सीज़न है ना नवंबर से मार्च का, ये शायद सबसे बेहतरीन महीने हैं किंगडम ऑफ बहरीन के। सो द वेदर, चाहे आउटडोर की ईटिंग प्लेसेस की बातें कर लें और वी टॉक अबाउट बहरीन बीइंग डेकोरेटेड और द इंटायर वाइब, मौसम की वजह से अमेजिंग हो जाती है। एंड ये वो एक एक्सपीरियंस है जो अपने घर वालों को आपको वंस इन अ लाइफ टाइम तो ज़रूर कराना चाहिए। व्हाट एक्चुअली मेक्स दिस इंटायर एक्सपीरियंस लवली इज इंडीड द वार्मथ ऑफ पीपल ऑफ बहरीन, द वे एक्सपैट्रिएट्स आर एक्सेप्टेड इन द कंट्री, आर लव्ड इन द कंट्री एंड दे हैव ऑल द फ्रीडम टू डू व्हाटएवर दे फील लाइक। लेकिन इसके अलावा फेस्टिवल्स जिस तरीके से किंगडम ऑफ बहरीन में सेलिब्रेट होते हैं, होली हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो या कोई और फेस्टिवल हो, पता ही नहीं चलता कि हम अपने देश से दूर हैं। शायद इसीलिए हम कहते हैं वी आर होम अवे फ्रॉम होम। चलिए इसी बात पर आपके जो सारे मैसेजेस हैं सेलिब्रेशंस के, सेलिब्रेशन के गानों के, टू लिसन टू ऑल द जिंगल्स एंड टू लिसन टू ऑल द क्रिसमस कैरल्स, मुझे लिख भेजिए 1333-1042 पर। और दो गानों के उस पार मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से ऑल अराउंड द वर्ल्ड क्रिसमस सेलिब्रेट हो रही है। Let's find out. चलिए एक बार फिर स्वागत है आपका ऑन रेडियो 104.2 FM, Your Music, Your Beats, जहाँ हैप्पी न्यू नॉर्मल भी कहूँगी आपसे और हैप्पी न्यू क्रिसमस 2020 अराउंड द वर्ल्ड द वे इट्स बीइंग सेलिब्रेटेड। सांता बबल्स जो कि ड्राइव कर रहे हैं पूरे डेकोरेशंस में, या नेटिविटी सीन्स जो कि नज़र आ रहे हैं इन द इंटायर सोशल मीडिया, सोशली डिस्टेंस ईयर तो रहा है ये और अब होगा एक बड़ा ही मास्ट क्रिसमस लाइक नो अदर। वेल, स्टैन थॉम्सन जो कि ड्रेसअप कर चुके हैं सांता क्लॉज के रूप में, वो सीन टॉकिंग टू चिल्ड्रन इन अ कार ड्यूरिंग अ फिजिकली डिस्टेंट ड्राइव थ्रू विजिटिंग इन इंडियानोला। वेल, मैं कुछ ऐसी ही बातें आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इस पूरे क्रिसमस के दौरान इंटायर वर्ल्ड में किस तरह से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जा रहा है। विजिटर्स को देखा गया ड्राइविंग थ्रू द ल्यूमिना फेस्टिवल जो कि ब्राज़ील में लगता है, एंड ये जो इंडोर लाइट्स एग्जिबिशन है वो फीचर करती हैं 200 इल्यूमिनेटेड एंड इंट्रैक्टिव स्कल्पचर्स को, एंड पैंडमिक की वजह से इसे आप सिर्फ कार से ही विजिट कर सकते हैं। ये जो इंटायर रूट है ये 1 किलोमीटर का है एंड इट टेक्स अबाउट 25 मिनट्स टू गो थ्रू दिस। साथ ही स्केटर्स एंड साइक्लिस्ट जो कि ड्रेस्ड अप हैं सांता क्लॉज के आउटफिट्स में, उन्हें भी देखा गया इन बर्लिन। तो वहीं एक चॉकलेट सांता क्लॉज की तैयारी की गई जो कि एक पैटिसरी ओनर ने की है ग्रीस में, और ये वो तरीका है जिससे कि वो उन सभी लोगों को जो थोड़े से उदास या डिप्रेस्ड हैं या लो फील कर रहे हैं क्रिसमस के दौरान क्योंकि उनका सेकेंड लॉकडाउन हुआ है कोविड-19 की मेहरबानी से। साथ ही नज़र आए एक इंसान जो कि कम्प्लीटली सांता क्लॉज की तरह ड्रेसअप होकर सर्जिकल मास्क लिए हुए अपने हाथ में इज़राइल में नज़र आए। तो वहीं पेंगुइन्स नज़र आईं विद अ ट्रेनर इन सांता कॉस्ट्यूम एज पार्ट ऑफ क्रिसमस इवेंट। ये सब हो रहा था इन सी पैराडाइज एक्वेरियम योकोहामा यानी जापान में। सांता लाइज ऑन अ फेक कॉफिन इन लियोन इन फ्रांस एज शॉप ओनर्स कॉल फॉर री ओपनिंग ऑफ देयर स्टोर्स, एंड वो नहीं चाहते कि स्प्रेड हो कोविड-19, लेकिन एट द सेम टाइम वो गवर्नमेंट मेजर्स में ये भी कह रहे हैं कि किसी तरह से प्रिकॉशनरी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए किसी तरह से ये स्टोर्स खुल जाएं। वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि हम किंगडम ऑफ बहरीन में हैं जहां वैक्सीनेशन नेशनल प्लान आ चुका है और अब हम सब तैयार हैं उस वैक्सीन के लिए। आपने अब तक रजिस्टर किया या नहीं? नहीं किया तो healthalert.gov.ph दैट्स द वेबसाइट एड्रेस ज़रूर जाइए। दो गानों के बाद आपको बताऊंगी कुछ और क्रिसमस की बातें, क्या हो रहा है दुनिया में, साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि आप क्या कर सकते हैं टू एक्चुअली कंट्रीब्यूट एंड स्टे सेफ फ्रॉम कोविड-19। स्टे ट्यून्ड एंड कीप इट लॉक्ड। मैं हूँ जस जूही और आप सुन रहे हैं रेडियो 104.2 FM,
योर म्यूजिक योर बीट्स। आई एम श्योर आपने इंजॉय किया इन गानों को, क्योंकि क्रिसमस की सेलिब्रेशन तो चली रही हैं, लेकिन एक बहुत ही ज़रूरी बात है 2020 में जो किसी भी बातचीत के बीच में ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। सो हम जो कॉन्स्टेंटली आपसे बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन नेशनल प्लान के बारे में ऑन रेडियो 104.2 FM, रजिस्टर ज़रूर कीजिए वैक्सीन के लिए। आपके दिल में कोई भी ख्याल, कोई भी शक, कोई भी डाउट हो तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस को, या फिर जाइए healthalert.gov.bh पर, वहाँ आपको सारी जानकारी मिलेगी। बट बिफोर यू गो एंड आफ्टर यू हैव बीन देयर एज वेल, क्योंकि ये 21 डेज का एक कंप्लीट प्रोग्राम है, सो कंटिन्यू वेयरिंग योर फेस मास्क, वॉशिंग हैंड्स फ्रीक्वेंटली, मेकिंग श्योर दैट यू आर मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग, अवॉइड गोइंग इन द क्राउड, विजिलेंट रहें कोविड 19 के लक्षणों के बारे में, सूखी खांसी हो, बुखार हो या सांस लेने में दिक्कत हो रही हो तो रैपिड एंटीजन टेस्ट डिवाइस है जो फार्मेसीज में अवेलेबल है, जस्ट इन केस खुदा ना खास्ता आप पॉजिटिव आ जाएं तो बहरीन की 24 आवर्स की कोविड हेल्पलाइन है ऑन 444-444 पर, उन्हें कॉल कीजिए, उन्हें ज़रूर इत्तला कीजिए और उनकी गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। गेटिंग बैक टू आवर क्रिसमस मूड, आप कैसे मना रहे हैं क्रिसमस ये भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 1-333-1042 पर। डोंट फॉरगेट, गो टू आवर सोशल मीडिया पेजेस, दैट्स रेडियो 104.2 FM, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल पर आप ज़रूर देखेंगे किस तरह से रेडियो 104.2 FM के रेडियो जॉकीज तैयार हैं पूरी तरह क्रिसमस के लिए। चलिए गेटिंग बैक टू व्हाट्स द वर्ल्ड अप टू, कोविड 19 के टाइम पर ये मास्ट क्रिसमस को किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो सांता क्लॉज ग्रीट कर रहे हैं विद एन एल्बो बम्प एट सेल्फ्रिजेस स्टोर इन लंदन, जस्ट मेकिंग श्योर एवरीबडी हु वॉक्स इन गेट्स द वाइब ऑफ क्रिसमस। तो वहीं चॉकलेट सांता क्लॉज डॉन कर रहे हैं एक फेस मास्क को एक कन्फेक्शनरी शॉप में इन फ्रैंकफर्ट जर्मनी, एंड बच्चे विजिट कर रहे हैं सांता को इन अ स्नो ग्लोब एट ऑटोमोबाइल एलेज लाइट ऑन ब्रॉडवे डिस्प्ले जो ओक्लाहोमा सिटी में चल रहा है। वेल दैट्स नॉट ऑल, बहरीन में भी काफ़ी कुछ हो रहा है, आपको स्पेशल सांता क्लॉज की सारी डेकोर मिल जाएगी एट द स्टोर्स एंड आउटलेट्स ऑफ डिफरेंट सुपर मार्केट्स, यू ऑल्सो विल गेट यू नो द इंटायर बहरीन विच इज़ डेकोरेटेड इन वाइट एंड रेड। चलिए इसके अलावा कि दुनिया में क्या चल रहा है, आपके घर में क्या चल रहा है, ये जानने के लिए मैं ज़रूर बेचैन रहूँगी, कुछ ही देर में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसा कि वो पुराना गाना कहता है ना, देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम फॉर द हॉलीडेज, और इस ईयर ये जो हार्टफेल्ट लिरिक्स हैं इन्होंने कितना सिग्निफिकेंस ऐड किया है हमारी ज़िंदगी में। सो स्टे ट्यून्ड इन फॉर दैट, मैं हूँ जस जूही और आप मुझे सुन रहे हैं ऑन रेडियो 104.2 FM, योर म्यूज़िक योर बीट्स पर। साथ ही दोस्तों हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं वैक्सीन नेशनल प्लान के बारे में, आशा है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन हमारे सोशल मीडिया पेजेस, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल रही है, मलयालम में मिल रही है मलयालम शो के दौरान, और रीजनल शोज़ में मिल रही है रीजनल लैंग्वेजेस में। तो अगर आप रेडियो 104.2 FM के फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज को नहीं कर रहे हैं फॉलो, ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि आपको वहाँ सब पता चलेगा, जैसे क्या वैक्सीन लगाने के बाद कोई व्यक्ति वायरस से संक्रमित हो सकता है या दूसरों का संक्रमण कर सकता है, इसका जवाब है वहाँ पर। एंड उसके अलावा आपको ये भी पता चलेगा कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रतिरक्षा विभिन्न होती है। सो कुछ लोगों में वैक्सीन लेने के बाद भी वायरस से लड़ने के लिए उतनी ज़्यादा इम्यूनिटी विकसित नहीं होती है, तो वैक्सीन लेने से रोग की जो सीरियसनेस है इस वायरस की, उससे बचने में आप सफल हो सकते हैं। इससे एक व्यक्ति वैक्सीन लेने के बाद भी कोविड 19 वायरस से संक्रमित हो सकता है और दूसरों का संक्रमण कर सकता है। ये जानकारी आपको सीधा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से पहुंचा रहे हैं। अगर आप वैक्सीन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो जो लोग कोविड 19 वैक्सीन लेना चाहते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसकी लिंक है healthalert.gov.bh पर, और ये लिंक आप हमारे सोशल मीडिया पर भी ले सकते हैं। नाउ एक और सवाल है लोगों के दिल में, स्पेशली पीपल लाइक मी हु हैव गॉन थ्रू द वैक्सीन ट्रायल, कि क्लिनिकल ट्रायल में भाग लेने वाले जो सभी लोग हैं क्या उन्हें वैक्सीन लेनी चाहिए। तो स्वयं सेवकों के लिए एक प्रक्रिया बनाई जाएगी जिसे जल्द ही घोषित किया जाएगा, और हम जैसे लोगों को पता चलेगा वेदर वी रियली नीड टू टेक द वैक्सीन और नो, तब तक आप इंतज़ार कीजिए। क्या वायरस से संक्रमित व्यक्ति को वैक्सीन लगाई जा सकती है, इस बात के सवाल पर हाँ, वायरस से संक्रमित व्यक्ति को संक्रमण के 90 दिन बाद यानी 90 डेज के बाद वैक्सीन लगाई जा सकती है। फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ता और अन्य लोग जो बीमारी से प्रभावित हो सकते हैं उन्हें किसी भी समय वैक्सीन लगाई जा सकती है।
अब एक और बड़ा सवाल जो कई लोगों के मन में है कि वैक्सीन कौन ले सकता है, तो कोविड-19 वैक्सीन 18 वर्ष या उससे अधिक के उम्र के लोगों को दी जाती है। नाउ किस तरीके से दी जाती है इस बारे में अगर आपको सवाल है, या फिर इसके साइड इफ़ेक्ट्स कैसे हो सकते हैं, तो आप ज़रूर जाइए हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर और चेकआउट कीजिए खुद ही कि ये सब करने के लिए आपको जो भी जानकारी चाहिए सारी जानकारी इंग्लिश और हिंदी में मुहैया की जा रही है आपको ऑन आवर सोशल मीडिया पेजेस। लेकिन ये सब होने के बावजूद एक काम करने की ज़रूरत है, और वो है कि आप कंटिन्यू रखें हमारी जो फाइट है ऑफ प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो करने की, यानी कंटिन्यू वेयरिंग योर फेस मास्क, अपने हाथों को फ्रीक्वेंटली वॉश करते रहें कम से कम 20 सेकेंड के लिए, सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग को ज़रूर फॉलो करें, अवॉइड करें जितना हो सके क्राउड में जाना, और कोविड-19 के लक्षणों की तरफ आप कम्प्लीटली सावधान रहें। जस्ट इन केस आपको सूखी खांसी है, बुखार है या सांस लेने में दिक्कत है, तो ये सोचकर कि ये सिर्फ फ्लू तो नहीं है उसे इग्नोर मत कीजिए। मेक श्योर कि आप रैपिड एंटीजन टेस्ट डिवाइस लेकर आ रहे हैं किसी फार्मेसी से जो अवेलेबल है फार्मेसीज़ में और काफ़ी कम दामों में है, उसे आप चेक कर लें। ये बिल्कुल प्रेगनेंसी टेस्ट जैसे एक डिवाइस की तरह है, ये आपको पॉजिटिव है आप या नेगेटिव है 15 मिनट में बताती है, और खुदा ना खास्ता पॉजिटिव हैं तो बहरीन की 24 आवर्स की कोविड ला हेल्पलाइन है 444, उन्हें कॉल करें, उन्हें इतला करें, वो ज़रूर आपको सारी की सारी गाइडलाइंस देंगे। नाउ गेटिंग बैक टू द म्यूजिक, आपके लिए आ रहा है काय पोचे से ये गाना। आई हैव हार्डली प्लेड दिस सॉन्ग बट इट्स सच अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, मिली नायर और अमित त्रिवेदी की आवाज़ में फ्रॉम द मूवी काय पोचे। बैक टू बैक सुशांत सिंह राजपूत के गाने आज, इट्स इज मीठी बोलियाँ for you on Radio 104.2 FM, your music, your beats. Welcome back to Radio 104.2 FM, your music, your beats. कैसी जा रही है आपकी क्रिसमस दोस्तों, कैसे मना रहे हैं? मुझे बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे पिक्चर्स ऑफ क्रिसमस ट्री जो आप शेयर कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। चलिए जैसे मैं कह रही थी, द ओल्ड सॉन्ग गोज जो कहता है देयर इज नो प्लेस लाइक होम फॉर हॉलीडेज, एंड इस साल दोज हार्टफेल्ट लिरिक्स हैव एक्चुअली एडेड अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस अमिड दिस इंटायर कोरोना वायरस पैंडेमिक। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो कि इंडिविजुअली क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ द लार्ज ग्रुप्स जो कि क्रिसमस के इंटायर वाइब को लेकर आता है। कई सारे लोग हैं जो कि अकेले सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सब के लिए हम आपके साथ हैं। यू आर नेवर अलोन विद अस ऑन रेडियो 104.2 FM। इतने सारे फन क्वारंटाइन क्रिसमस आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो आप कर सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए टू सेलिब्रेट हॉलीडेज एट होम। सो एज सून एज यू अनरैप द प्रेजेंट्स यू कैन एक्चुअली डाइव इनटू अ हार्टी ब्रंच जो आप तैयार कीजिए, बिल्कुल उसी तरीके से जब आप अपने पूरे परिवार के लिए एलोंगेटेड फैमिली के लिए करते थे, एलैबोरेट हो ताकि ये कंप्लीट वाइब ऑफ क्रिसमस कहीं मिसिंग ना हो। ओपनिंग प्रेजेंट्स टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी दोस्तों, एंड सो विल यू रिक्वायर टू रिफ्यूल आफ्टरवर्ड्स विद अ हार्टी ब्रेकफास्ट। ट्राई कीजिए टू एक्चुअली प्रिपेयर समथिंग वन डे बिफोर, कुकीज बेक करनी हो तो अपने परिवार को ज़रूर आप शामिल कर लें। ग्रेट डे टाइम एक्टिविटी है ये जो कि आपके पूरे घर को डेलिशियसली स्मेल तो कराएगी, लेकिन बिफोर गेटिंग यू स्टार्टेड मेक श्योर यू हैव सम फन कुकी कटर्स, कुछ फ्रॉस्टिंग्स एंड डेकोरेशंस जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नाउ गेटिंग टू मीट सांता क्लॉस इज अ मैजिकल एक्सपीरियंस फॉर मेनी यंगस्टर्स। छोटे बच्चे सांता क्लॉस का इंतजार करते हैं इस पूरे हॉलीडे सीजन में। अनफॉर्चुनेटली दे माइट नॉट गेट टू सी सेंट निक इन पर्सन दिस ईयर, बट दैट डजंट मीन यू कैन चैट विद हिम ऑन द फोन। इनफैक्ट एक अरेंजमेंट किया गया है क्रिस क्रिंगल के वीडियो कॉन्वर्सेशन के द्वारा, जहां आप $50 खर्च करके अनुभव कर सकते हैं एक समय में 3 बच्चे टू एक्चुअली रिकॉर्ड अ वीडियो विद सांता क्लॉस। यू आर गोइंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एट होम दिस हॉलीडे सीजन, सो माइट एज वेल मेक योर स्पेस द विंटर वंडरलैंड ऑफ योर ड्रीम्स। एक बजट सेटअप कीजिए, पिकअप सम न्यू डेकोर एंड ओपन योर क्राफ्ट बिन, एंड क्यों ना कुछ डू इट योर सेल्फ ट्राई कीजिए। Now there are so many festive winter flavors जो कि taste करते हैं incredible, और उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं उन्हें बनाने के लिए। साथ में you can actually get some really nice cute mask out of paper plates जो कि fun Christmas craft बनेंगे, and when you're done you can use them to take photo booth style pictures और उन्हें आप social media पर ज़रूर share करें with all of us. Now doing a puzzle is yet another relaxing way जो कि आप Christmas spend करते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। While you're at work, be sure to set the mood with a fire or candle and just come in that Christmas vibe. That's the entire thought behind this entire do-it-yourself craft and, you know, spending time with your family. Watching a movie is indeed another perfect way jo ki aap kar sakte hain apne family ke saath, immediate family ke saath. Just one thing, when you're doing all this, don't get into
इनवाइटिंग अ लॉट ऑफ पीपल और बहना जाना भावनाओं में. कहते हैं ना, इमोशन तो ज़रूर जागेंगे लेकिन इन इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, क्योंकि COVID-19 अभी गया नहीं है दोस्तों. एंड अभी भी ये लड़ाई हमारे जो इंटायर फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं वो लड़ रहे हैं. स्टे इन ट्यून टू रेडियो 104.2 FM फॉर ऑल द फेस्टिव प्रोग्राम्स अप एंड रनिंग इन बहरीन. हम कॉन्स्टेंटली आपको बता रहे हैं कि बहरीन में क्या कुछ हो रहा है. यू माइट बी एबल टू विजिट एन आउटडोर क्रिसमस ट्री या एक हॉलीडे मार्केट जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, ताकि आप आउटडोर इवेंट को भी सोशली डिस्टेंट होकर इंजॉय कर सकें. फॉर नाउ इट्स मी जस्ट जूही टेकिंग यू फॉरवर्ड विद दो और गाने. इंजॉय कीजिए और लौट कर जरूर आइए. ऑन द क्रिसमस स्पेशल शो ऑन रेडियो 104.2 FM, मैं हूँ जस जूही एंड आई हैड कंप्लीट फन विद ऑल ऑफ यू. इतने सारे मैसेजेस भेजकर जो क्रिसमस की वाइब है मेरे अंदर आपने जगाई है, नाउ आई हैव टू गो एंड फिल इन माई ओन क्रिसमस ट्री, जस्ट मेकिंग श्योर दैट आई हैव द वाइब अलाउंड. वेल, इसी के साथ वक्त हो रहा है कि मैं आपसे इजाज़त लूँ. आज के लिए खुदा हाफिज़ कहूँ. कहते हैं ना, आज जाऊँगी तो कल लौट कर ज़रूर आऊँगी. आप वाइब को यूँ ही जिंदा रखें. और जाते जाते कहूँगी, क्रिसमस इज़ अ सीज़न फॉर kindling the fire for hospitality in the hall, the gentle flame of charity in the heart. Washington Living ne ye kaha hai. Aur waqai dosto, jaise 2020 ne hame sikhaya hai, kindness is the new cool and good health is the best wealth. To is par dhyan dijiyega. Thought of the day hai ye aapke liye. Meri se mulaqat hogi kal sham ko aur phir enjoy karenge, banayenge ek aur bahut hi khoobsurat si sham ek saath, yani main aur aap. On Radio 104.2 FM, your music, your beats. Take good care of yourself. Thank you.